वीडियो को आगे ले जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एक मेंबरशिप प्लान है जिसकी फीस आज 600 रुपीज है, लेकिन कल का कोई विश्वास नहीं है उस पर। हो सकती है कि इस पर 1000 रुपीज इसकी फीस हो जाए, ठीक है। तो इसमें ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेस हैं, जैसे कि .NET कोर है, ये .NET के ऊपर ही आधारित जो है वो पूरी सीरीज है जो मैं बना रहा हूँ। और ये स्टार्टिंग में हम लोगों ने .NET कोर इसमें कवर किया है, उसके बाद में वेब API है, ब्लेजर है और एंगुलर और रिएक्ट पर साथ में वीडियो चल रहे हैं। फंडामेंटली आप लोगों का रिएक्ट कवर हो रहा है, ठीक है। तो फंडामेंटली तो आप लोगों को फ्रीली अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को पूरा जो प्रोजेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ इसी मेंबरशिप में अवेलेबल होगा। जैसे अभी एंगुलर का जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो आप लोगों को सिर्फ मेंबर वालों को ही मिलेगा, वो आप लोगों को फ्रीली अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। तो रिएक्ट का भी अभी फंडामेंटली चल रहा है, तो इसमें अभी जो बाकी है वो है आप लोगों के SQL सर्वर के ऊपर प्रोजेक्ट बनाना। फिर इस पर इंटरनली हम लोग बहुत सारा जो है हाई लेवल के जो कोर्सेस हैं, जैसे कि .NET कोर में भी आप लोगों को हाई लेवल जो है वो यूज करना चाहिए। अगर आप लोगों को इसकी मेंबरशिप लेनी है तो आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा और वहां पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म का लिंक है उसे फिल करना पड़ेगा, एंड फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप जो है वो स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये कोर्सेस जो है वो लगातार चल रहा है और इस पर आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ जिसमें जो इसमें इंक्लूड भी मैंने नहीं किए हैं वो भी मैं इसमें इंक्लूड करूंगा, जैसे माइक्रो सर्विसेज हैं, डोंट वरी वो सारे के सारे इंक्लूड होंगे, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। और यहाँ पर आप लोगों का रिएक्ट का जो कोर्स है वो स्टार्ट है, फंडामेंटली हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है, एंड फाइनली आप लोगों के लिए प्रोजेक्ट भी तैयार रहेगा। तो जिसको ज्वाइन करना है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म मिलेगा उसे आप लोगों को फिल करना है। ओके, सो रिएक्ट का ये एक नया वीडियो है, जस्ट आप लोगों का क्रेड ऑपरेशन का एक दूसरा पार्ट आप लोग कह सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे हम लोग वेब API के साथ जो है कनेक्ट हों, और लिस्ट ऑफ कैटेगरीज हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में आप लोगों को दिखाई थी इंडेक्स कैटेगरीज के ऊपर। यहाँ पर हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट को यूज किया है यूज इफेक्ट के अंदर। यूज इफेक्ट एक वो मेथड है जो आप लोगों का तब रन होता है जो जब उसको परफॉर्म करने होते हैं साइड इफेक्ट्स। तो साइड इफेक्ट्स में आप लोगों के जैसे कि आप लोगों को डोम मैनिपुलेट करना है या आप लोगों को फैच करके लाना है बाहर से API के डेटा को, तो उस प्रकार के यूज किए जाते हैं। तो उसमें दो चीजें आते हैं, साइड इफेक्ट्स आता है आप लोगों को, और साइड इफेक्ट्स को अगर हम लोगों को डिस्क्लोज करना है तो हम लोग उसके अंदर जो है रिटर्न मेथड्स लिखते हैं और उसके अंदर जो है डिपेंडेंसीज पास करते हैं। यहाँ पर हम लोगों को क्रिएट कैटेगरी जो है वो बनाना है, क्योंकि लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने सारे की सारी जो कैटेगरीज थी वो हम लोगों ने गेट कर ली थी। अब हम लोगों को क्रिएट कैटेगरीज के ऊपर फोकस करना है। क्रिएट कैटेगरीज पर आप लोगों को जैसे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन आप लोगों ने लिखा क्रिएट कैटेगरीज, और रिटर्न आप लोगों ने लिख दिया दैट इज क्लास नेम कंटेनर। आप लोगों ने यहाँ पर लिखा क्रिएट कैटेगरीज, ठीक है। डिव क्लास नेम आप लोगों ने यहाँ पर लिखा और उसमें आप लोगों ने लिखा MT2 यानी कि मार्जिन 2 के साथ। और यहाँ पर आप लोग एक अगर क्रिएट कैटेगरी करना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है कि आप लोगों को यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स और एक बटन तो बनाना ही पड़ेगा। तो अगर हम लोगों को एक टेक्स्ट बॉक्स और बटन बनाना है तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, फॉर्म बनाएंगे, ऑन सबमिट लिखेंगे। ऑन सबमिट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक सिंपल सी जो है मैथड हम लोग यूज करेंगे और उस मैथड के अंदर हम लोग जो है यहाँ पर वैल्यू जो है वो सेंड करेंगे। तो हैंडल सबमिट जो है वो मैंने यहाँ पर ऑन सबमिट के अंदर डाल दिया है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये तो चीज समझ ही ली होगी कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या यूज किया है, क्या जो है हम लोगों ने जो है, तो ये बहुत ही अच्छा जो है आप लोगों को यहाँ पर लगेगा, क्योंकि हम जो यहाँ पर ऐड करने जा रहे हैं दैट इज कैटेगरीज, हम लोग डेटाबेस में जो है ऐड करने जा रहे हैं। तो आप लोगों का फैच जो मेथड है जो कि जावास्क्रिप्ट का मेथड है वही हम लोग उसमें यूज करेंगे। फैच के अंदर आप लोग जो है गेट भी डाल सकते हैं, पोस्ट भी डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग एक सिंपल URL डालते हैं तो वो गेट कंसिडर करता है। अगर आप लोग उसके अंदर मेथड स्पेसिफाई करते हैं जस्ट उसमें डाटा डालने के बाद, तो आप लोग वो भी डिफाइन कर सकते हैं। आप लोग उसका रिस्पॉन्स टाइप भी डिफाइन कर सकते हैं कि रिस्पॉन्स टाइप जो है वो क्या है, ठीक है। रिस्पॉन्स डॉट जेसन आप लोगों का होना चाहिए। तो आप लोग देन ना भी यूज करें तो भी आप लोग कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर यूज कर सकते हैं वो सारी चीजें। यहां पर हम लोग जो है जो यूज करने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों को डेटा यहां पर डालना है, तो हम लोगों को यूज इफेक्ट्स हम लोग यहां पर जो है पुट नहीं करेंगे, क्योंकि यूज इफेक्ट्स का मतलब होता है कि बाहर से डेटा को लेकर आना। हम हैंडल सबमिट यूज करेंगे क्योंकि हैंडल सबमिट के अंदर हम लोगों को फैच जो है वो यूज करना है, और साथ ही हम लोग यूज स्टेट भी यूज करेंगे।
यूथ स्टेट इसलिए है क्योंकि न्यू कैटेगरी का मतलब है कि ब्लैंक एक बार के लिए हम लोगों को टेक्स्ट बुक्स दिखाई देना चाहिए, उसके बाद में हम लोगों को यहाँ पर सेट न्यू कैटेगरी भी करना पड़ेगा। सेट न्यू कैटेगरी का मतलब ये होता है जब हम लोग कुछ भी उस टेक्स्ट बॉक्स में लिखें तो वो कैटेगरी को सेट करना चाहिए, क्योंकि उस न्यू कैटेगरी जो होगी उस वो ही हम लोग डाटाबेस में ऐड करेंगे। तो जो भी हम लोग कुछ लिखें वो टू वे बाइंडिंग के अंदर जो है वो यूज स्टेट मेथड ही जो है वो हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने एक इंटरफेस बनाया है, इंटरफेस में हम लोगों ने सिर्फ नेम प्रॉपर्टी यहाँ पर पुट की है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो न्यू कैटेगरी है और सेट न्यू कैटेगरी है वहां पर यूज स्टेट काम में लिया गया है। क्यों लिया गया है उसका रीजन मैंने आप लोगों को बता दिया है। बाय डिफॉल्ट ब्लैंक हम लोग नेम को लेंगे, लेकिन जब हम लोग नेम में कुछ लिखेंगे तो उसे हम लोग सेट न्यू कैटेगरी करेंगे जो कि अपडेट करेगा न्यू कैटेगरी को। ठीक है, तो यहाँ पर न्यू कैटेगरी अपडेट हो जाएगी वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को वो वैल्यू कैसे पुट करनी है दैट इज चेंज के ऊपर। जो टेक्स्ट बुक्स होगा उस पर हम लोगों को चेंज इवेंट यूज करना पड़ेगा और ई जो है यहाँ पर कंट्रोल होगा, ई डॉट जो टारगेट है उसकी जो वैल्यू है वो जो है इस न्यू कैटेगरी के अंदर सेट हो जानी चाहिए। ये हम लोग यूज स्टेट के अंदर सेट न्यू कैटेगरी करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग वैल्यू में डालेंगे न्यू कैटेगरी, तो एक आसानी से न्यू कैटेगरी डॉट नेम, तो आप लोगों का नेम जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा अगर वहां पर कोई वैल्यू है तो, क्योंकि ये वैल्यू ही अपडेट होगी। लेकिन न्यू कैटेगरी के अंदर हम लोगों को वैल्यू को अपडेट करना पड़ेगा, ये हम लोग करेंगे ऑन चेंज के अंदर। ऑन चेंज के अंदर हम लोगों को सिंपली एक मेथड कॉल करना है ई, और यहाँ पर हम लोगों को कॉल करना है दैट्स फाइन कि हम लोग ये ई की जो वैल्यू है वो अपडेट करें बाय सेट न्यू कैटेगरी से, सेट न्यू कैटेगरी, और यहां पर हम लोग लिखेंगे ई डॉट नेम के अंदर क्या जाना चाहिए दैट इज ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। जैसे हम लोग सेट न्यू कैटेगरी करेंगे सेट न्यू कैटेगरी, तो यहां पर कैटेगरी अपडेट होगा और उसके अंदर क्या आ जाना चाहिए दैट इज नेम के अंदर आप लोगों के पास जो है ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू आ जाना चाहिए। ठीक है, इसको हम लोग रिक्वायर्ड कर देंगे कि ये फील्ड जो है वो रिक्वायर्ड होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑन सबमिट मेथड हम लोगों ने यूज में लिया है। अब हम लोगों को एक बटन बनाना है सबमिट बटन, और ये सबमिट बटन जैसे ही हम लोग सेंड करेंगे यूज करेंगे तो वो हमारा हैंडल सबमिट मेथड को कॉल करेगा। हैंडल सबमिट मेथड जो है वो फैच जो API होता है वो फैच करके लेकर आएगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक डेटा है और वो डेटा है न्यू कैटेगरी, तो हम लोगों को मेथड भी डिफाइन करना पड़ेगा दैट इज द पोस्ट मेथड, और उसका जो रिस्पांस टाइप होगा वो हम लोगों को कैच करना है या नहीं करना वो डिपेंड करता है रिस्पांस पर। एंड फाइनली हम लोगों को नेविगेट भी करना है कैटेगरीज लिस्ट के ऊपर। सो एक सिंपल सा फॉर्म मैंने बनाया है, एक सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन यही चीज जो है आप लोगों को जो है जो मेंबरशिप है वहां पर बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन की जाएगी कि पूरा प्रोजेक्ट जो है, क्योंकि यहाँ पर मैं क्रेड ऑपरेशन बताऊंगा, मिडल चीजें जो है आप लोगों के लिए बताऊंगा, फंडामेंटली जो है फ्री में अवेलेबल होगा, लेकिन जो जो कोर्स का कंप्लीट आप लोग कहेंगे कि जो कोर्स है वो कंप्लीट जो कोर्स है, या हम लोग कहें पूरा प्रोजेक्ट जो है वो मेंबर्स वालों के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कॉन्स्टेंट मैंने बनाया और हैंडल सबमिट मैंने एक मेथड यहाँ पर बनाया है लैम्डा एक्सप्रेशन के साथ, एसिंक्रोनस फंक्शन बनाया है। ठीक है, और उसमें हम लोगों ने यहाँ पर इवेंट दिया है, तो फॉर्म इवेंट जो होगा दैट इज फॉर्म इवेंट, तो रिएक्ट डॉट फॉर्म हम लोग यहाँ पर लिखेंगे रिएक्ट डॉट फॉर्म इवेंट। तो ये एक टाइप ऑफ क्या है फॉर्म इवेंट है, और हमारे पास पूरा का पूरा फॉर्म आया है, तो उस फॉर्म की जो वैल्यू है वो हम लोग यहाँ पर पास करेंगे API के अंदर। डिफॉल्ट में हम लोग जो है जो जितनी भी स्टेट्स हैं जितने भी कंट्रोल्स हैं उनको डिफॉल्ट जो है हम लोग प्रिवेंट करेंगे, जो जिसकी वैल्यू है वैसे ही रखेंगे। अब यहां पर हमारे पास आएगा इफ न्यू कैटेगरी डॉट नेम डॉट ट्रिम इज डबल इक्वल्स टू ट्रिपल इक्वल्स टू empty, अगर empty है तो हम लोग रिटर्न कर देंगे, एंड अगर empty नहीं है और उसमें कुछ वैल्यूज हैं तो फाइनली हम लोग उसको सबमिट करेंगे। तो यहां पर हम लोगों ने लिखा ट्राई एंड कैच, ट्राई के अंदर हम लोगों को फैच API जो है वो काम में लेनी है, साथ में हम लोगों को रिस्पॉन्स भी काम में लेना है, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे
तो यहां पर मैंने एक कॉन्स्टेंट बनाया रिस्पॉन्स इक्वल्स टू एसिंक, और यहां पर जो है मैंने एसिंक्रोनस जो फंक्शंस है उसको कॉल किया है, दैट इज कि वो अवेटेबल कॉल होगा। तो यहां पर हम लोगों ने कॉल किया एंड उसका नाम हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो यहां पर कॉन्स्टेंट रिस्पॉन्स इक्वल्स टू अवेट एंड फैच, और हम लोगों ने यहां पर टोटली यूआरएल लिख दिया है। अब कोमा डालकर हम लोगों को मैथड लिखना पड़ेगा और डेटा हम लोगों को पुट करना पड़ेगा। तो हम लोग एक एरे बना लेते हैं और उसमें हम लोग मैथड बताते हैं सबसे पहले क्या है, दैट इज पोस्ट मैथड हमारे पास है। हमारे पास बॉडी क्या है हम लोगों को वो बताना पड़ेगा, रिस्पॉन्स का टाइप क्या होगा, कंटेंट का टाइप क्या होगा वो हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं। तो जो मेथड है वो हम लोगों ने बताया पोस्ट, हेडर जो है वो हम लोग यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट टाइप में लिख सकते हैं क्योंकि हेडर के अंदर बहुत सारे ऐसे हमारे पास वैल्यूज होती है जैसे कि कंटेंट का टाइप क्या है, राइट। तो हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं कंटेंट डैश स्पेस डैश टाइप, सॉरी कंटेंट डैश टाइप कोलन और एप्लीकेशन ऑब्लिक जेशन हम लोग यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। तो हम लोगों ने मेथड मेंशन किया, हम लोगों ने हेडर मेंशन किया, राइट, हेडर्स मेंशन किया एंड फाइनली हम लोग यहाँ पर बॉडी मेंशन करेंगे। तो बॉडी जो होगी वो हमारा क्या होगा, दैट इज जो जेशन डॉट सिग्निफाई है, तो वो क्या काम करेगा, वो हमारे डेटा को जेशन में कन्वर्ट करने का काम करेगा। तो बॉडी कॉलन अगर हम लोग यहां पर लिखते हैं तो जेशन हम लोगों को यूज करना पड़ेगा, जेशन डॉट सिग्निफाई, सिंपल सी बात है, जेशन डॉट सिग्निफाई, ओके। और हम लोग यहां पर यूज करने वाले हैं दैट इज न्यू कैटेगरी, ओके। तो हम लोगों ने सिंपली यहां पर न्यू कैटेगरी जो है वो पुट किया है, और यहां पर ये जो रिएक्ट मैं यूज में ले रहा हूँ यूजिंग टाइप स्क्रिप्ट, वो आप लोगों को ऐसा फील करवाएगी कि हम लोग जैसे सी में काम कर रहे हैं या सी शार्प में काम कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए कंफर्टेबल होगा। अनटिल अनलेस ये बनना जावा स्क्रिप्ट ही है, आप लोगों को पता है, तो जो कि डायरेक्टली आप लोग ब्राउजर के ऊपर रन कर सकते हैं और इजी टू यूज कर सकते हैं। अब आप लोगों के पास पता है आप लोगों को रिस्पॉन्स आना या नहीं आना, तो रिस्पॉन्स डॉट ओके, अगर आप लोगों के पास रिस्पॉन्स डॉट ओके आएगा तो इसका मतलब आप लोगों के पास रिस्पॉन्स आया है। अब उसका जो टाइप है आप लोग बदल सकते हैं कि उसका रिस्पॉन्स का टाइप क्या होना चाहिए। अगर आप लोग उसमें हैंडल ही नहीं करना चाहते उस रिस्पॉन्स को, तो आप लोग सेट न्यू कैटेगरी कर सकते हैं, नेम कोलन दिस वन, आप उसे ब्लैंक कर सकते हैं क्योंकि आप लोगों ने डेटा जो है वो पुट कर ही दिया है, आप लोगों को पता है, ठीक है। तो न्यू कैटेगरी के अंदर आप लोगों ने सेट न्यू कैटेगरी के अंदर आप लोगों ने ई को वेरीफाई कर दिया, नेम कोलन ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू को, तो वो ऑटोमेटिकली उसमें अपडेट हो जाएगी। एंड फाइनली यहां पर आप लोग एक चीज और कर सकते हैं कि आप लोग नेविगेट यूज कर सकते हैं, ठीक है। यूज नेविगेट जो होता है वो एक फंक्शन होता है, जैसे कि यूज स्टेट होता है वैसे ही नेविगेट जो होता है वो भी एक आप लोग यहाँ पर बना सकते हैं, यूज नेविगेट। एंड नेविगेट जो होता है रिएक्ट राउटर डॉम में आता है, ठीक है। तो यूज नेविगेट आप लोगों ने यहाँ पर लिखा, यूज नेविगेट रिएक्ट राउटर डॉम, ओके। एंड फाइनली रिस्पॉन्स डॉट ओके एंड सेट न्यू कैटेगरी आप लोगों ने लिखा, नेम कोलन, ओके। एंड फाइनली आप लोग जाना चाहते हैं मैन इंडेक्स पेज के ऊपर, तो यहां पर आप लोग लिख सकते हैं नेविगेट, क्योंकि कॉन्स्टेंट नेविगेट आप लोगों ने लिखा है और नेविगेट जो है वो यूज नेविगेट फंक्शन से यूज हुआ है, तो आप लोग जहां पर भी यूआरएल लिखेंगे वहां पर आप लोग जा सकते हैं। और आप लोगों ने लिखा कैटेगरीज, तो यहां पर आप लोग मूव कर जाएंगे। तो ये सारा का सारा जो आप लोगों ने लिखा है वो ट्राई के अंदर लिखा है डेटा को पोस्ट करने के लिए। अब आप लोगों को कैच में एरर भी लिखना पड़ेगा कि वहां से कोई भी एरर आए तो आप लोग उसे कैसे हैंडल करेंगे। ओके, सेट न्यू कैटेगरी लिखा, नेम कोलन लिखा एंड कंसोल डॉट एरर आप लोगों ने लिखा फेल्ड।
एंड आप लोगों ने कैच लिखा एरर एंड फाइनली आप लोगों ने यहां पे लिखा कंसोल डॉट एरर एंड फाइनली कंसोल डॉट एरर टू एरर। ओके तो आप लोगों ने उप्स यहां पर कोई एरर है और उस चीज को हम लोगों को रिजोल्व करना पड़ेगा। यहां पर एरर है आप लोगों के पास कैटेगरी डीटीओ में। ओके नो इशू फाउंड, हम लोगों ने सेव नहीं किया था तो हम लोग उसे सेव कर देते हैं कैटेगरी मॉडल डॉट पीएस को। यहां पर हमारे पास कंट्रोलिंग प्रॉपर नहीं आई है लेकिन हम लोग करना क्या है, हम लोगों को पहले एड करना है उसके बाद में हम लोग बूटस्ट्रैप दोबारा से चेक करेंगे। सबमिट हम लोग करते हैं एंड फाइनली कंसोल पर चलते हैं हम लोग और वहां पर चेक करते हैं कि हमारा आउटपुट आया है या नहीं आया है। एंड फाइनली हम लोग गए कंसोल पर। ओके कंसोल पर जाने से पहले हमारा डेटा जो है वो डेटाबेस में डल चुका है क्योंकि यहाँ पर कैटेगरी लिस्ट अपडेट हो चुकी है विद डेटा के साथ एंड हम लोगों को एक डेटा और डालना चाहिए ताकि हम लोग वेरीफाई कर सके उस चीज को कि हमारे पास डेटा आ गया है। ओके ओके कैटेगरीज प्रॉपरली एक फाइनेस्ट ट्यून के साथ जो है वो काम कर रही है। अब हम लोगों को यहाँ पर हम लोगों ने दो कैटेगरी यहाँ पर पुट कर दी है तो एक बार के लिए हम लोग उसको कंट्रोलिंग भी कर लेते हैं। ओके फॉर्म ग्रुप मैंने यहाँ पर डाला एम्प्टी डैश टू के साथ डाल देता हूं, मैं फॉर्म ग्रुप के को हटा देता हूँ क्योंकि फॉर्म डैश ग्रुप है वो, ठीक है फॉर्म डैश कंट्रोल है, हम लोगों ने डायरेक्ट उसमें लिख दिया है। बूटस्ट्रैप अगर आप लोग चेक करेंगे तो उसमें फॉर्म डैश कंट्रोल आप लोगों को मिलेगा इंस्टेड ऑफ आप लोगों को डायरेक्टली फॉर्म ग्रुप मिल रहा है, ठीक है तो डैश लगाना जो है स्किप हुआ। एंड फाइनली यहाँ पर देखिए लेबल के ऊपर भी मैंने फॉर्म कंट्रोल लगा दिया, वहां पर उसका जो क्लास है वो है दैट इज फॉर्म लेबल तो उसे आप लोग चेक करें। तो बूटस्ट्रैप पर जो लेटेस्ट बूटस्ट्रैप है उसे ही आप लोग चेक करें। यहाँ पर जो सीडीएम काम में लिया गया है वो 5.3.2 का है तो आप लोग उसी के अकॉर्डिंग जो है उनकी जो क्लासेस है उनको चेक कीजिए और यहाँ पर अप्लाई कीजिए वो ज्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पर आप लोगों ने जो देखिए नेम एंड कैटेगरीज आप लोगों के पास आ चुकी है दैट इज सबमिट बटन। तो ये पूरा प्रोजेक्ट आप लोगों को बताया है कि बुक का पूरा प्रोजेक्ट आप लोगों के पास बनने वाला है। कैटेगरीज हम लोगों ने यहाँ पर बना ली हैं, बुक्स को हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे, पेजिंग्स हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर ऐड करनी बाकी है एंड शॉर्ट्स में आप लोगों के पास वीडियोज आते रहेंगे आप लोगों को पता है। लेकिन पूरा जो प्रोजेक्ट का जो फ्लो है वो आप लोगों को प्रोजेक्ट में समझ में आएगा और मैं बहुत आसान तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि इन चीजों को कैसे हैंडल किया जाता है। अब आप लोगों ने दो बटन बनाए जैसे कि एडिट और डिलीट आप लोगों को बनाना है। एडिट जब भी आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों को दूसरे कंपोनेंट पे मूव करना पड़ेगा और दूसरे कंपोनेंट पे मूव करने के लिए हम लोगों को यूज करना है लिंक और टू, क्योंकि हम लोगों को हाइपर लिंक में एंकर टैग यूज नहीं करना है। हम लोग बूटस्ट्रैपिंग के लिए कोई भी क्लास यूज में ले सकते हैं लेकिन हम लोगों को जो यूज करना है दैट इज लिंक, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आप लोगों ने कैटेगरी डॉट मैप लिखा, कैटेगरी आप लोगों ने लिखा है रिटर्न टी आर की कैटेगरी डॉट आई डी कैटेगरी डॉट लिंक आप लोगों ने लिखा। टू के अंदर आप लोगों को क्या पुट करना है दैट इज कि आप लोगों के पास यहाँ पर जो कैटेगरी स्लैश एडिट स्लैश आई डी है, आई डी जो है यहाँ पर कोलन के साथ है दैट इज द पैरामीटर टाइप और राउटर जो राउटिंग जो होती है यहाँ पर डायनेमिक राउटिंग जो है वो यहाँ पर आप लोग यूज करेंगे यूज फॉर्म से एंड पैरामीटर। यूज पैरम्स का मतलब होता है यूज दैट इज पैरामीटर्स। बहुत आसान होता है रिएक्ट के अंदर काम करना और चीजों को समझना कि हम लोगों को कैसे जो है यहाँ पर काम करना है। एंड फाइनली टू के साथ आप लोगों ने कैटेगरीज लिखा एडिट लिखा कैटेगरी डॉट आप लोगों ने यहाँ पर आई डी लिखा तो आप लोग यहाँ पर आई डी को फैच कर पाएंगे। ओके यहाँ पर टू के अंदर जो एरर है वो एक्चुअली में लिंक जो है वो एल कैपिटल होगा इंस्टेड ऑफ लिंक। तो
तो यहाँ पर ये लिंक हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। अब हम लोग इसमें क्लास भी ऐड कर देते हैं और क्लास जो होगी वो बीटेन प्राइमरी हम लोग ऐड करेंगे। तो आप लोगों के लिए जो अट्रैक्टिव पेज है वो आप लोगों के लिए लगेगा। ओके, तो यहां पर हम लोगों ने एक बटन बनाया है डिलीट के लिए और जब हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर एक मेथड जनरेट होगा और उस मेथड पर हमारा एपीआई कॉल होगा जो कि डिलीट के लिए काम करेगा। राइट, तो ये जो डिलीट फंक्शन है इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो हम लोग बाद में भी लिख सकते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और ये मैं करंट ऑपरेशन जो है फ्री में अवेलेबल रहेगा, आप लोग चेक कर सकते हैं पूरा कंप्लीट ऑपरेशन। अब लेकिन मैं जो फैच एपीआई के लिए, हो सकता है कि यहां पर ये जो फैच यहां पर जावास्क्रिप्ट का मैंने यूज में लिया है रिएक्ट के अंदर वो मैं यूज में ना लूं, मैं कोई जो लाइब्रेरीज फंक्शंस हैं वो हो सकता है कि प्रोजेक्ट में काम में लूं या मैं इसी से भी प्रोजेक्ट में बता दूं, तो वो दोनों तरीके जो है मैं यहां पर आप लोगों को बताने वाला हूं प्रोजेक्ट के अंदर। जिन्होंने मेंबरशिप जो है वो ले रखी है उनको डबल फायदा रहेगा, आप लोगों को पता है। यहां पर मैं हैंडल डिलीट जो फंक्शन है वो कॉल करूंगा और यहां पर उसका आईडी जो है उसको भेज दूंगा फंक्शन के अंदर। तो मैं कॉन्स्टेंट हैंडल जो डिलीट है वो फंक्शन बनाऊंगा, एक टाइप ऑफ एसिंक्रोनस फंक्शन, और यहां पर आईडी जो है वो एक नंबर की फॉर्म में वहां पर जाएगी। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये पूरा वीडियो जो है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा और मैं यही ट्राई करूंगा कि बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊं और आप लोग पूरा ध्यान से देखने के बाद किसी भी कैसे भी प्रोजेक्ट को बना पाए। ओके,